अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संघर्ष मन के आह्वान पर आज अजमेर पूरी तरह बंद रहा। जगह जगह चप्पे पर पुलिस प्रशासन नजर आया। वही पूरे बाजार पूरी तरीके से अजमेर के बंद रहे। मदार गेट पड़ाव का नज़ारा है। अजमेर के सभी रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद, दुकानें रही जहाँ पर लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के बगैर अजमेर को पूरी तरह बंद रखा गया है। सभी ने अजमेर बंद का समर्थन भी किया है, चाहे व्यापारी हो या एस टी एस टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज अजमेर बंद कराए। अजमेर के बाजार पूरी तरह बंद रहे। वहीं और आज रैली के माध्यम से हाथों में भीमराव अंबेडकर के झंडे लेकर पूरे बाजार में रैली निकाली और जो दुकानें खुली थी उनको बंद शांतिपूर्वक बंद करने के लिए प्रार्थना की गई। हालांकि पूरी तरह अजमेर बंद रहा। साथियों, हमारी रैली की ताकत ही हमारी असली ताकत है और जिस प्रकार से कल हमने रैली निकाल कर संदेश दिया है उसी प्रकार से आज भी शांतिपूर्वक एक दमदम के साथ बहुत बड़े हुजूम के साथ शेर में निकलेंगे। बाइक रैली
रैली से पूरे शहर में घूमे और जो दुकानें खुली थी उनको भी कभी अनुशासन नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान यही है कि हम अनुशासन में रहते हैं। तो इसलिए आज भी अनुशासन में रहते हुए हमें अपने काम को सफलता पूर्वक पूरा करना है, क्योंकि तब जब हम अनुशासन में रहकर अपना काम पूरा होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज जाएगी कि ये सब एक है। और ये देख सकते हैं आप, पूरे शहर में एक रैली का आयोजन किया गया, जहां पर ये बाइक सवार और हाथों में भीमराव अंबेडकर के नारों के साथ पूरे शहर में ये बाइक रैली, जो विघ्न इवेंट संगठनों द्वारा निकाली गई, इसमें एसटी आदर्श संघर्ष मंच का आह्वान अजमेर पर पूरी तरह बंद का समर्थन करके इनका शुक्रिया अदा किया गया। आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये एक रैली है। रैली के माध्यम से लोगों को बताया गया कि आज अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण संघर्ष के मंच पर आवर अजमेर बंद चिटपुट। हालांकि अजमेर में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं, शांतिपूर्वक अजमेर पूरी तरह बंद। तो जिनके सामने डंडे हो और आपके सामने वो आ जाए, उनका विरोध नहीं करना है। हमारे साथ में पुलिस और प्रशासन है, वो उनको संभालेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले सभी जो प्रतिपक्ष नेता है कांग्रेस की द्रौपदी कोली और उनके समर्थन में आज पर रैली रवाना हुई। सब जगह इकट्ठा होकर ये रैली के माध्यम से पूरे शहर में निकले और जगह जगह नारों के साथ आगे डीजी पुलिस वहीं और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह भेद रहा और इनके साथ चलता रहा। किसी भी प्रकार की कोई घटना शहर में नहीं हुई है, पूरी तरह शांतिपूर्वक अजमेर बंद रहा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी महासंघ की ओर से भी इनको समर्थन पूरा रहा है, इसलिए पूरा अजमेर आज अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के समक्ष आह्वान पर अजमेर पूरी तरह सफल रहा। वहीं जगह जगह पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा, हालांकि कोई घटना नहीं, शांतिपूर्वक अजमेर बंद रहा। हालांकि दरगाह बाज़ार की बात करें तो दरगाह बाज़ार के अंदर थोड़ी जायरीनों को खाने पीने की परेशानियां ज़रूर हुई है, क्योंकि होटलें कुछ बंद थी सुबह से, तो जायरीनों को खाने पीने के लिए थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। बाकी अजमेर की बात करें तो अजमेर पूरी तरह सफल रहा बंद कर, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है, यहाँ तक कि रैलियाँ भी शांतिपूर्वक बंद कराया निवेदन करके और रैली आप देख सकते हैं पूरी रैली निकाली गई अजमेर शहर के अंदर।